नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स का है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे स्वॉक थ्रू में, जिसका नाम है पोकेमॉन फायर एश वर्जन। पिछली बार हम लोग यहां सिनेमा आइलैंड आ चुके थे और हमने जिम लीडर ब्लेन को चैलेंज किया था और वोल्केनो बैच भी जीत लिया था और हमारा चार्मेंडर फाइनली इवॉल्व हो चुका था चारिज़ार्ड में। और आज हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और विरिडियन सिटी जिम लीडर को चैलेंज कर हमारा फाइनल जिम बैच जीत कर पोकेमॉन लीग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ने से मैं आपको लेवल अप सिखा दूँ। ऑफकोर्स डेकर की मदद के थ्रू सारे पोकेमॉन अभी 50 पर है और मेरे ख्याल से अगले जिम चैलेंज के लिए और मे बी विक्ट्री रोड होगा तो इस गेम में होगा, है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और उसके लिए मेरे ख्याल से इतनी लेवल अप्स इनफ है और लेवल अप्स करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद लीग चैलेंज टफ हो सकता है या नहीं भी, अगर लीग चैलेंज टफ है, अगर ये लेवल अप्स इनफ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, भाई इतने लेवल अप्स काफ़ी है लीग चैलेंज करने के लिए, आप आसानी से जितना ऐश पहुँचा था एटलीस्ट उतना तो जा पाओगे, तो उतना मेरे लिए इनफ होगा। तो मैं डायरेक्टली फिर लीग की तरफ ही बढ़ूंगा, मैं ज़्यादा वापस लेवल अप करने के पीछे नहीं जाऊंगा। वर्मिलियन आ चुके हैं, ओके मैं आपको डायरेक्टली विरिडियन सिटी मिलता हूँ। ओके विरिडियन सिटी आ चुका हूँ मैं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम बाद विरिडियन सिटी हम लोग आए हैं। ओके अभी तो वो आदमी भी हट चुका है। द जिम लीडर हैज कम बैक, नाइस। हम जाएंगे अंदर। I try to beat them. The Pokemon are just too strong. Okay. कोई तो चैलेंज कर रहा है directly. Mewtwo level 50. Wild Mewtwo appear. तो पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? ये मुझे तो मालूम है. Master Ball तो है मेरे पास. खैर मैं Thunderbolt try करता हूँ उसके ऊपर. हम भी 50 पर है. Mewtwo attack नहीं कर रहा है. ये Mewtwo attack नहीं कर रहा है. Try मारता हूँ चलो पकड़ने का. वाह पोकी बॉल, आर यू श्योर चिन्मय? ऑलमोस्ट हैड इट, वाओ यू सीरियस? ओके ग्रेट बॉल, मैं खाली पकड़ मास्टर बॉल तो वेस्ट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, तो क्या मालूम पकड़ना है भी कि नहीं, अगर नहीं पकड़ना है तो खाली पकड़ हमारा टाइम वेस्ट। ठीक है हरा देता हूँ मैं फिर उसको, क्या ही करो। अच्छा एक्सपी, आई लीव दिस बैटल टू यू थ्री, आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट। ऑन अ सेकंड थॉट टेक सम ऑफ माय पोकेमॉन। ऑलराइट यू गाइस, द बॉस गेव अस एन इंपॉर्टेंट जॉब, वी कांट स्क्रू दिस अप। ओके सो लेट्स सी if it's a good choice to battle Team Rocket Giovanni subordinates. क्या मैंने गलती कर दी है Mewtwo को हरा कर मास्टर बॉल ना यूज करके? फिलहाल तो हम थंडरबोल्ट के साथ ही जाएंगे। राइड ऑन चैओस पोर्टल, वाटरफॉल्स, मैचैम्प, ठीक है चार्जर जाओ और यूज करोगे तुम एयर स्पेस। इजी जाओगे तुम फ्लेमथ्रोअर के साथ। कम ऑन यार,
साइज़मिक टॉस। ओके, टीम रॉकेट इज ब्लास्टिंग ऑफ अगेन। यू इडियट्स, द जिम इज कोलैप्सिंग, व्हाट आर वी स्टैंडिंग अराउंड फॉर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ माय वे। ओके, गुड जॉब ऑन बीटिंग देम स्काई, टू बैड यू आर स्टिल लीग्स बिहाइंड। स्पीकिंग ऑफ लीग्स, आई एम हेडिंग टू द पोकेमॉन लीग नाउ, कैच यू लेटर स्काई। ओके, ऑब्टेन द अर्थ पैच, टीम 26 अर्थक्वेक। तो क्या मैंने ये सही किया है दोस्तों? लकी एक। जरा एक बार मैं चेक करके आया, म्यूटू को पकड़ना था कि नहीं। ओके दोस्तों, वापस आ चुका हूं मैं और मैं देख लिया है कि म्यूटू को पकड़ना पॉसिबल है कि नहीं। कि जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, आप म्यूटू को पकड़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मास्टर बॉल था हमारे पास, मगर ऑफकोर्स मैं नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मतलब वापस स्टार्ट करके मैं नहीं पकड़ने जाऊंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बोला जाए तो हम ऐश की जर्नी फॉलो करते हैं और ऐश ने आज तक कोई भी लेजेंडरी पकड़ा नहीं है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम म्यूटू को पकड़ के कुछ चेंजेस करें स्टोरी में। तो मे बी पहला बैटल, यप। ओके, ये तो अच्छा बैटल हुआ एकदम, नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। मुझे बैच ऑफ ग्रास में जाना है। और क्या कर रही, छोड़ी, फाइंड सम प्लांट्स। ओके बैटर, ठीक है, ये इनफ हुआ। यहाँ पर एक और ट्रेनर है और यहाँ पर भी एक ट्रेनर है, कोई तो भाग के गया यहाँ से। अपने चैलेंज, आप रे, ये एस ट्रेनर निकला, एकदम डिफिकल्ट बैटल हुई। चलो इनको चैलेंज, बहुत फ्रीज हो रहा है गेम, बहुत। आज कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं जा सकते, ये बंदा भाग ही रहा है, मेरा कुछ लफड़ा है। कट तो नहीं है मेरे पास, एक और बैटल। ओके, इनमें भी लास्ट बैटल। बाप रे बाप, कूल ट्रेनर तो साला अपनी भाषा में बोल तो कसम से मजबूत मार रहे मेरी मजबूत। मेरे पास एंटीडोट्स है। ओके चलो कंटिन्यू करेंगे। अब वो भागने वाला ट्रेनर किधर गया? हाँ वो रहा, ए भागते हुए ट्रेनर, अरे वो भागते हुए ट्रेनर। ओके, एक और बैटल हो गया और अब मेरे ख्याल से अभी शायद सारे बैटल यहाँ पे हो चुके हैं मेरे। और एक बॉटल है। ओके, ये भी मस्त बैटल था। क्या है ये? पोकेमॉन लीग फ्रंट गेट। ओके, लगता है डायरेक्टली लीग ही है। क्या विक्ट्री रोड है? मेट्रोनॉम नहीं सीखना है मुझे, नहीं एनी टाइम नहीं सीखना ही नहीं मुझे। अरे थैंक यू बेटा, बहुत जल्दी दे दिया एक्सपी शेयर। ओके ओके, अपने वो सी फॉर्म आइलैंड वाले जो साइंटिस्ट थे ना, वो है डेंजरस पाथ। ओके, तो वैसे कुछ नहीं, विक्ट्री रोड है क्या? ओहो, विक्ट्री रोड तो नहीं है गेम में, ये जो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। ओके, क्या बेचते हो भाई तुम? ओके, काम के आइटम्स है। बट फ्री, क्या तुम मुझसे बात करोगी? फ्री तुम क्या बेच रहे हो भाई? इंसेंस नहीं चाहिए, अब ओके विदाउट इंसेंस। चेरी वेरी वगैरह, हाँ टीम रॉकेट। क्लेंस टैंक, डेस्टिनी नॉट एवर स्टोन, नाइस। नहीं चाहिए, मैं कैंसिल दबा सकता हूँ अभी, बाद में। नहीं तो परचेस करके रखता हूँ मैं, क्या पता बाद में मिले ना मिले, पैसे ज़्यादा जाएंगे। कौन कौन इन्वॉल्व नहीं होगा इसका जोटो तक, बहुत ही वैसे जाने तो मैं, मिलेंगे तो मिलेंगे।
नहीं मैं वेस्ट नहीं करूंगा मेरे पैसे। सेव द गेम। द कैंटो ग्रैंड फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड हियर, कम बैक लेटर व्हेन वी आर सेट अप। ओके मतलब ये इसका होइन के बाद बैटल फ्रंटियर फिर आने के लिए, ठीक है अंदर चलो फिर अंदर। माय टीम इज परफेक्ट, यस ओके सो यू आर रेडी। ओके फिलहाल तो मैं पहले हील अप कर लेता हूँ। फिलहाल तो मैं कौन सी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे क्रैबी को करना है लेवल अप डे केयर में। अबे रुकना भोसड़ी के, ओके कुछ नहीं स्लो क्या बेच रहे हो तुम। ओके यस फाइनली सब कुछ बेच रहा है, मैं स्टॉक अप करके रखूंगा फिर। और आई थिंक हाइपर पोशन है मेरे पास ना, नहीं चार चाहिए फिर। मैक्स पोशन ब्रो 18 दे दे, वैसे टेक केयर के हिसाब से पैसे रखने मेरे पास, अदरवाइज मैंने बाकी खर्च कर दिए तो भी और पाप रहे डे केयर के बजने वाले अभी। क्रैबी 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 ठीक है, आई थिंक वी हैव नो चॉइस। ए नहीं 15 रिपल है ना ऑलरेडी, 15 रिवाइव्स है ना, कितने मिलेंगे फिर भी 9600 नहीं बेचने मुझे। ठीक है थैंक यू। इंडिगो स्टेडियम रॉक स्टेज आइस स्टेज वाटर स्टेज ये है ग्रास स्टेज। ओके तो फिलहाल तो मैं रजिस्टर भी नहीं करता जानबूझ के, पहले जाके जरा क्रैबी को जरा लेवल अप करके आता हूँ। तो आपके लिए 2 सेकंड, मेरे लिए पूरा 1 दिन, आता हूँ मैं 2 सेकंड में। ओके दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने थोड़ा बहुत क्रैबी को लेवल अप किया 27 तक, 15 पर था वो, 12 लेवल इनफ हो गए क्योंकि 28 पे वो इवॉल्व होगा। मेरे ख्याल से पहले राउंड के लिए इनफ है जहाँ पर वो इवॉल्व होता है, बाकी के राउंड हम नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे। हेलो यू कैन रजिस्टर फॉर द इंडिगो लीग, लाइक टू रजिस्टर, यस ग्रेट लेट्स सेट अप योर बैटल। All right, your first battle will be on the water stage. Good luck. I think ये है water stage. Right this way. Okay. Well, what an easy first challenge. Oh well, prepare to lose the outstanding Mandi. Okay, Mandi, 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 Mandi. Pikachu, Krabby, and Squirtle. शेयर वाला जान बुझ के लिया है मैंने, आई होप एक्सपी मिलेंगे नहीं तो मेरा प्रॉपर्ट होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं कुछ आइटम यूज नहीं कर सकता क्या मैं स्कॉटल फिर, हमारे पास बाइक है नाइस, यस एक्सपी तो मिल जाएंगे। होल्ड बैक आइटम यूज कर सकता हूँ क्या मैं, यप यस यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है रिवाइव टेक डाउन थोड़ा संभाल लो जरा स्कॉटल, तुरंत आता हूँ अंदर उधर हील अप कर लो पिकाची को पूरा स्विच कर पाओ तुम्हारे साथ। शुक्रिया वापस आ जाओ। एक डबल टीम से कैसे सब हो सकता है, चलना राजा चलना प्लीज, गाली खाने का मन ही हो गया कुछ भी करके। ओके 28 फाइनली ओके, बट हाउ। और इसी के साथ व्हाट क्रैबी इज इवॉल्विंग, और हमारा क्रैबी इवॉल्व हो रहा है अपने फाइनल स्टेज में जो कि एक्चुअली इसी पैच के दौरान होता है, मगर एग्जीक्यूटर को हराने के बाद होता है, हमारा बैटल के बाद ही होगा।
हालांकि एग्जेक्यूटर को वो भी वही हराता तो भी यही होता, कंग्रेचुलेशन योर क्रैबी इवॉल्व इनटू किंगलर व्हाट बट हाउ डिड आई द आउटस्टैंडिंग मैन लूज ओके कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग योर फर्स्ट मैच यू शैल नेक्स्ट बैटल विल बी ऑन द रॉक स्टेज ओके रॉक स्टेज ओके किंगलर की वैसे मुझे जरूरत नहीं, वैसे यूज किया था एश ने किंगलर मगर मैं नहीं यूज करूंगा फिर फिलहाल टीम में तो रहने देता हूँ मैं उसको आई थिंक रॉक फील्ड इधर नहीं इधर ग्रास फील्ड है आई थिंक दिस इज द रॉक आई थिंक दिस इज द रॉक फील्ड राइट दिस वे आई मेड इट थ्रू माई फर्स्ट राउंड आई एम नॉट लूजिंग नाउ ओके आइस फील्ड में शायद उसके आर्कनाइन वाला ट्रेनर था ना स्क्वाल्टन पिकाचू चार्लीजार्ड कंफर्म लेट्स सी क्या होता है रैपिड एश नाइस चॉइस वेल डन चिन्मय बाबू एंड स्काई बाबू क्रिटिकल खुद को डैमेज भी ले सकता है ज्यादा क्रिटिकल हुआ तो भी मुझे ही देना चाहिए ऐसा जबरदस्ती नहीं है मैं कैसा मस्त छोटा छोटा डैमेज ये छोटा छोटा डैमेज देखने में अच्छा लगता है वॉलीबॉल टिके टिके छिपचाओ एक थंडर बोल्ट और वॉलीबॉल भी गया नीडोरिनो तुम्हें कंटिन्यू करो हॉर्न अटैक इजी आई कांट बी डन ऑलरेडी आई डोंट वांट टू गिव अप ऑलरेडी ओके कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग योर सेकेंड मैच योर नेक्स्ट मैच नेक्स्ट बैटल विल बी ऑन द आइस स्टेज ओके ए स्टेज पहले हम हील अप कर लेते हैं आई थिंक ये आइस स्टेज है ये एक बार मैं सेव करता हूँ सेफ्टी साइड चलो गुड लक चार्जर तुम जाओगे पहले दूसरा तुम पिकाचू और उसके पास आर्कनाइन था ये मुझे मालूम है इसलिए मैं स्क्वाडर के साथ राइहॉर्न पहला साइज बिग टॉस खत्म गया हटा अलविदा गुड बाय तुम वापस आ भाई उसने आइस टाइप यूज किया ना मेरे पास कोई पोकेमोन नहीं यूज करता है अरे होना 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 राजा होना एक्सटेंड स्पीड अरे बच गया भाई साहब ये तो मेरे लिए नया था भाई ये तो मेरे लिए नया था गुरु सब बच जाएगा ये मुझे नहीं लगा था बाबा मतलब तो मुझे एक्सपीरियंस भी यूज करेगा ओके क्लॉइस्टर अभी हम यहाँ आई थिंक ये क्लॉइस्टर के अगेंस्ट उसने किंगलर यूज किया था और अभी शायद उसकी मैच रिची के अगेंस्ट है और यहाँ पर वो हारेगा ओ या ओके ओ वेल आई होप यू विन नहीं नहीं अभी वो Congratulations on winning your third match. Your next battle will be on the grass stage. कोई अभी नए लोग आए भी नहीं है वो मक वाला ट्रेनर ना अभी बल्बसॉर शायद साइथर बिड्रिल और ऐसा कुछ तो यूज किया था उसने ये है आई थिंक ग्रास स्टेज दिस इज द ग्रास स्टेज वी आर करंटली सेटिंग इट अप कम बैक इन अ फ्यू मिनट्स ओके कम बैक इन अ फ्यू मिनट्स तो एक एंट्री ओह सो आई लॉस्ट इन माई फोर्थ मैच द स्टेजेस आर सो टफ They have to be cheating. I think I'm gonna head back to Pallet Town for now. Good luck in your next match. If I didn't been there, no way you will. Catch you later, Sky. Oh, right. Your friend is looking for you. He's around here somewhere. My friend? Oh, Brock. Hey, Sky. I heard you got 8 badges, so I came up to watch. You have already won 3 matches, huh? It gets tougher from here, so let me see if you are ready for your next round. Okay, Brock against Battle. That's great.
ब्रीडर ब्रॉक, ओके फाइनली डिसाइड टू बी अ ब्रीडर इंस्टेड ऑफ अ ट्रेनर, ये अच्छी बात है ब्रॉक। मैं इस क्वार्टर के साथ स्विच कर दूंगा, बबल बीम और सोनिक्स फास्ट है इवन दो रॉक टाइप है और मुझसे 9 लेवल पीछे है। चुरूर इजी 29 किंगलर बैक स्पिन, ठीक है तो क्या प्रोफेसर लोग आने वाले हैं बैटर? इतना कम क्यों, इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा है भाई? भी दूसरा क्या साला हारने नहीं वाला ये जो बैट जाओ पिकाचू आई नो यू हैव ब्रीडर ब्लॉक मत, मुझे लगता है अभी बैट इवॉल्व होना चाहिए। वाओ यू हैव एज स्ट्रांग एज एवर, थैंक यू ग्रेट बैटल्स गाइस। If you want, I can groom one of your Pokemon. It may help in a battle. Groom, okay. Which Pokemon do you want me to groom? Pikachu. There, Pikachu looks a lot better now. Thank you. Okay, par par nahi, ek hi dikhe. One or two times is enough for a breeding. Okay. चलो ये भी बैटल कर ही लेते हैं आज के दिन। राइट दिस वे बिफोर यू बिगेन मे आई आस्क यू फॉर योर नेम? स्काई इज इट? आई प्रिपेयर टू लूज स्काई, ओके चारिज़ार्ड पिकाचू पिजियोटो। ओके इज वेल मल्टीपल 44 अभी डिफिकल्टी, अच्छा एक ही राउंड चारों राउंड हो गए एक ही बैटल एक ही एपिसोड में। My Pokemon tried their hardest. That's all that matters. I shall take my leave now. Good luck. Congratulations on winning your fourth match. Due to winning all 4 of your matches, your next battle will be on the Indigo stage. Okay. Is there any changes? You have already registered. Okay. मैं डायरेक्टली अभी मुझे जाना है, रिची बिची का कुछ है ही नहीं लफड़ा इधर। लेट्स सी क्या होता है, फिलहाल तो मैं अभी सेव कर देता हूँ, आज के लिए काफ़ी है इतना हमारा। ओके तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारे जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।